नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है तो मुद्दा क्या होगा? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। 38,000 शिक्षक का जो नियोजन हुआ है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, स्कूल में ज्वाइनिंग उनको कराया जाए। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है आईना दिखा दिया है सरकार को। नीतीश जी के नेतृत्व में जदयू भाजपा की 15-16 साल से सरकार चल रही है और यहाँ पे 51.91% आबादी गरीबी के चपेट में है। यहाँ पे एक भयानक कुपोषण है। 45% महिलाओं का प्रसव पूर्व देखभाल यहाँ नहीं होता। शिशु और किशोर मृत्यु दर यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ 26% से ज़्यादा बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो बिहार में गरीबी है, जो एजुकेशन, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आधार पर नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, देश में सबसे ज़्यादा गरीब प्रदेश हमारा बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में आज सामने है। तो ये हमारा मुद्दा होगा, किसानों का मुद्दा होगा। जहरीली शराब से जो मौतें हुई है, सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और कार्रवाई हो, उनको मुआवजा मिले, ये हमारा बिहार विधानसभा में सत्र में ये मुद्दा होगा। क्या शराबबंदी को लेकर क्या मुद्दा खड़ा हो गया? एक तो शराबबंदी ये वर्ड्स है, कहीं कोई शराब बंद नहीं है। और शराबबंदी वास्तव में होती तो जहरीली शराब से इतनी मौतें नहीं होती और इतने लोग अरेस्ट नहीं होते। पिछले 3.5-4 साल से शराबबंदी है और शराबबंदी होते हुए रोज़ लोग आए दिन हाजत में बंद हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो बंदी किस बात की है कि रोज़ लोग जेल जा रहे हैं? बंदी कहीं कुछ है नहीं, ये जो है एक स्लोगन है बंद का। शराब सब जगह मिल रहा है और शराब से सब जगह मौतें हो रही है, कहीं खुलासा हो रहा है, कहीं चुपके से दफना दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये विधायक हैं और अब से कुछ ही देर में शीतकालीन सत्र की जब शुरुआत होगी तो वो भी हम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। मिश्र नेशन के साथ नमस्कार।